मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर बुंदेलखंड के लिए, सीएम शिवराज बोले। वो जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, हमने बाकी काम किए, लेकिन पानी की जरूरत भी पानी की। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि केन बेता प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। केन बेता प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की तकदीर और जनता की तस्वीर बदलने का काम करेगा। मैं मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि 10,62,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट बनेगा, 72 मेगावाट क्षमता के 2 बिजली भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदली जाएगी। कांग्रेस ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नया किया, हमने उसकी क्षमता सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर की है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बिंदु बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए, लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और भागी जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड के विशेषकर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा, 2 बिजली के प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट। अब आप देखिए बुंदेलखंड को बिजली, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सौभाग्य का दिन संपूर्ण बुंदेलखंड की जनता के लिए है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी की सरकार है। हमने सिंचाई की क्षमता जो मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 7.5 लाख हेक्टर थी, बढ़ाकर 47 लाख हेक्टर कर दी, और अभी जो काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टर करने के लिए चल रहा है, और ये 10,62,000 अलग है, तो अब तो 75 लाख हेक्टर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकारों ने प्रोजेक्ट अटकाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रोजेक्ट जमीन को उतार के मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल दी। मैं बुंदेलखंड की जनता को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट